नमस्कार दोस्तों, रिकॉर्ड्स इन्हें लेकर अक्सर आपने सुना होगा कि ये बनते ही टूटने के लिए, जैसे शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जिम लेकर के टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने के रिकॉर्ड को शायद ही कोई तोड़ पाएगा, पर कुंबले ने स्मिथ को तोड़ दिया। लेकिन पता है, कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका टूटना नामुमकिन ही होता है, और आज हम अपनी इस वीडियो में आपको आंकड़ों के खेल क्रिकेट में ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें तोड़ना आज भी बड़े से बड़े खिलाड़ियों की बस की बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही टॉप 10 अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स के बारे में। नंबर 1, सर डॉन ब्रैडमैन का 99.94 रनों का औसत। गली क्रिकेट हो, रणजी हो, काउंटी हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, बल्लेबाजों के लिए ऑस्ट्रेलियाई पूर्व खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे शायद ही कोई पार कर पाए। सर डॉन ब्रैडमैन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसका टूटना तकरीबन असंभव सा ही दिखता है। टेस्ट क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन ने 99.94 की औसत से रन बनाए हैं। साल 1930 से 40 के बीच इन्होंने रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी थी जिसमें सबसे अधिक शतकों का भी रिकॉर्ड था, लेकिन औसत के मामले में सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है। इसके अलावा उन्होंने 6 शतक और टेस्ट क्रिकेट में 614 चौके मारे थे। नंबर 2, मुथैया मुरलीधरन के 800 टेस्ट विकेट। जहां एक ओर सर डॉन ब्रैडमैन ने बल्लेबाजी में अटूट सा दिखने वाला रिकॉर्ड बनाया है, वहीं श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने अपनी फिरकी के जाल में बड़े से बड़े बल्लेबाजों को फंसाया है। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 800 विकेट लिए। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसका टूटना असंभव सा लगता है। मुरलीधरन ने वनडे क्रिकेट में 534 विकेट लिए और दोनों फॉर्मेट की विकेटों को मिलाकर उनके 1334 विकेट हैं। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड ही है। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन 1001 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद इस रिकॉर्ड के आसपास फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा है। नंबर 3, सचिन के सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड। क्रिकेट की बात हो तो क्रिकेट के भगवान को कैसे भूल सकते हैं, क्या नाम भी बताना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि विश्व क्रिकेट को एक नई शेप दी है। सचिन तेंदुलकर ने रनों का जो पहाड़ खड़ा किया है उस तक पहुंचना फिलहाल तो नामुमकिन ही है। सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 18,426 रनों का रिकॉर्ड बनाया है जिसका टूटना संभव ही है। हाँ, भारत के विराट कोहली से इस रिकॉर्ड के टूटने की उम्मीद की जा रही है, पर ये तो वक्त ही बताएगा कि वो ऐसा कर पाते हैं या नहीं। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 15,921 रन बनाए हैं। इस तरह कुल मिलाकर सचिन ने दोनों फॉर्मेट में 34,347 रन बनाए हैं। शतकों का शतक बनाने वाले सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के 150 साल के इतिहास के पहले खिलाड़ी हैं। टेस्ट में 51 शतक जड़े हैं, वहीं वनडे में 49 शतक ठोके हैं। इस तरह सचिन तेंदुलकर ने कई रिकॉर्ड्स बना डाले हैं जिनका टूटना असंभव है। नंबर 4, नाइट वॉचमैन जेसन गिलेस्पी का दोहरा शतक। टेस्ट क्रिकेट में मुख्य बल्लेबाजों का विकेट बचाने के लिए नाइट वॉचमैन को खेल में उतारा जाता है। उम्मीद की जाती है कि दिन के अंतिम कुछ ओवर्स को वो किसी तरह से खेल जाए, पर कई बार कप्तानों की यही सोच सही उतर जाती है और कई बार नहीं। लेकिन साल 2006 में कुछ ऐसा हुआ जो एक ना टूटने वाला रिकॉर्ड बना गया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जेसन गिलेस्पी को चटगांव टेस्ट में नाइट वॉचमैन के रूप में उतारा गया, जिन्होंने 201 रनों की शानदार पारी खेली। फिलहाल 16 सालों से रिकॉर्ड तोड़ पाने में कोई भी नाइट वॉचमैन सफल नहीं हो पाया। हमें तो यही लगता है कि इस रिकॉर्ड का टूटना असंभव है। नंबर 5, हिटमैन की 264 रनों की पारी। क्रिकेट के मैदान में सबसे शांत पर बल्लेबाजों में सबसे अग्रेसिव बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। उनकी बल्लेबाजी का तेवर ही है जिसकी वजह से उन्हें हिटमैन कहा जाता है। रोहित शर्मा ने नाबाद 264 रनों की एक ऐसी पारी खेली है जो एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड लगता है। उन्होंने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ ये कारनामा किया था। वनडे में एक हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। रोहित शर्मा ने इस पारी में 33 चौके और 9 छक्के लगाए थे। इसके लिए उन्होंने महज 173 गेंदों का सामना किया था। इस पारी के साथ ही उन्होंने एक रिकॉर्ड और भी बनाया था। वनडे क्रिकेट में 3 दोहरा शतक लगाने वाले वो अकेले बल्लेबाज हैं। नंबर 6, क्रिस गेल की 175 रनों की पारी। गेल अपने नाम की तरह बल्लेबाजी करते हैं। क्रिस गेल की तूफानी पारियों की फहरिस्त है, पर साल 2013 में आईपीएल में उनकी 175 रनों की पारी को कोई भुला नहीं सकता। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे T20 फॉर्मेट में तोड़ना असंभव है। उन्होंने पुणे वॉरियर्स के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे। इस पारी के लिए क्रिस गेल ने मैच 66 गेंदें खेली और अपनी इस आतिशबाजी पारी में 17 छक्के और 13 चौके ठोंक डाले। अपनी इस पारी में क्रिस गेल ने
T20 में अपना ही सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ा। उस वक्त गेल ने एक ही पारी में सबसे अधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड भी बनाया था। नंबर 7, जैक हॉब्स के 61,760 रन। इंग्लिश क्रिकेटर जैक हॉब्स ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में रनों का जो अंबार खड़ा किया उसे तोड़ पाना तकरीबन नामुमकिन है। जैक हॉब्स के नाम दो रिकॉर्ड्स हैं। पहला, उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 61,760 रन बनाए। साथ ही क्रिकेट इतिहास में वो एक ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने 52 साल की उम्र में संन्यास लिया। अपने पूरे करियर में उन्होंने प्रथम श्रेणी मैचों में 199 शतक जड़े और 273 अर्धशतक लगाए। अपने 26 साल की उम्र में पहला मैच खेलने वाले जैक हॉब्स के नाम एक और रिकॉर्ड है। उन्होंने 29 साल की लंबी अवधि तक क्रिकेट खेली थी। नंबर 8, वनडे करियर में 0 शतक। दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी का लक्ष्य पिच से शतक बनाकर ही लौटना होता है। कोई बल्लेबाज आते ही धमाकेदार शतक लगा देता है, तो सचिन जैसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने वनडे करियर के शुरुआती 3 सालों में एक भी शतक नहीं लगाया, जैसे ही उन्होंने अपना पहला शतक लगाया शतकों का पहाड़ खड़ा कर दिया। पर क्रिकेट के इतिहास में एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसने अपने पूरे वनडे करियर में एक भी शतक नहीं लगाया। ये भी अपने आप में नहीं टूट सकने वाला रिकॉर्ड है। इनका नाम है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज मिसबा उल हक। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 40 या 50 वनडे खेले और शतक न लगा पाया हो। उन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 162 मैच खेले। वनडे में औसत भी अच्छा रहा। उन्होंने 43.41 की औसत से भी रन बनाए, पर उनका हार्ड लग रहा कि वो एक भी शतक नहीं बना पाए। इसका मलाल शायद मिसबा को भी होता होगा। नंबर 9, एक टेस्ट में 19 विकेट। दोस्तों, एक टेस्ट मैच में 20 विकेट होते हैं जिसमें से 19 विकेट लेना सपने जैसा है। पर 1956 में इंग्लैंड के फिरकी गेंदबाज जिम लेकर ने एक टेस्ट में 19 विकेट लिए थे। इनमें से 10 विकेट उन्होंने एक ही पारी में लिए, यानी एक पारी में सभी खिलाड़ियों को उन्होंने अकेले आउट कर दिया। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लेकर उनके एक रिकॉर्ड की बराबरी अनिल कुंबले ने कर ली है। यहाँ पूरे दमखम के साथ बोल सकते हैं कि एक पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड ही एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता है। क्योंकि एक टेस्ट मैच में 19 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए किसी भी गेंदबाज को पूरी टीम को दोनों पारियों में पवेलियन का रास्ता दिखाना पड़ेगा। नंबर 10, एक वनडे मैच में 8 विकेट। वनडे में एक गेंदबाज को महज 10 ओवर करने होते हैं। इनमें से 5 विकेट लेना एक शतक के बराबर माना जाता है। श्रीलंका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चामिंडा वास ने 2001 में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। उन्होंने एक ही मैच में 8 विकेट लिए थे। इसके लिए उन्होंने केवल 19 रन खर्च किए थे। इतना ही नहीं, इस मैच में वास ने पहले ही 3 गेंदों में हैट्रिक भी ली थी, जो एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड जैसा लगता है। ये शानदार रिकॉर्ड वास ने बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। इस रिकॉर्ड के बने 21 साल हो चुके हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड वहीं का वहीं बना हुआ है। क्रिकेट में अभी भी कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनका टूटने का सबको इंतजार है। ऐसे रिकॉर्ड्स कब टूटेंगे, इसके जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। पर हाँ, आपको किससे उम्मीद है, कौन इन रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।